देखिए, अगला योगाभ्यास जो हम बताने जा रहे हैं वो योग में कहलाता है जानु शीर्षासन। जानु माने घुटना, शीर्ष माने मस्तिष्क को घुटने पे लगाना, अपने मस्तिष्क को घुटने पे लगाना। योग का थोड़ा सा जटिल सा आसन है, लेकिन हम प्रयास करेंगे सरलता पूर्वक आपको बता सकें जिससे कि आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। सोनिया करेंगी। सबसे पहले दोनों पैरों को दंडासन में फैला लीजिए। सोनिया बहुत धीरे धीरे दोनों पैरों को दंडासन में फैला लीजिए। बहुत अच्छी बात। अब राइट लेग को बेंड कीजिए, यानी दाहिने पैर को बेंड कीजिए। बहुत अच्छा, अपने पैरनम में लगाइए। बहुत अच्छा। देखिए, दाना घुटना जमीन को स्पर्श कर रहा है, बायां पैर बिल्कुल सीधा है और उसके पंजे अंदर की ओर तने हुए होने चाहिए। पैरों को अंदर की ओर तान लीजिए, अंदर की ओर। बहुत अच्छा। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास कीजिए और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ लीजिए। लगाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ देर इसी अवस्था में रुकिए, यानी 5 काउंट तक, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाइए और यहाँ रुकिए। सोनिया यहाँ रुक जाइए। बहुत अच्छा। जो लोग इतना अभ्यास कर सकते हैं वो लोग इतना भी अभ्यास करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। धीरे धीरे वापस आइए। बहुत अच्छा। रिलैक्स कीजिए, दाहिने पैर को सीधा कीजिए। इस आसन को हम दूसरी ओर से भी एक बार करके बताएंगे। तो पैर को सीधा कर लीजिए। अब इसी प्रकार से अपने बाएं यानी लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, बेंड कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों हाथों को ऊपर, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। लंबा गहरा सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों से पैरों को अंगूठे को पकड़िएगा और कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आइए। धीरे धीरे वापस आ जाइए और सुखासन में बैठ जाइए। तो ये आपने देखा योग का जानु शीर्षासन। ये आसन भी मधुमेह में रामबाण का उपचार करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहता है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। जिन लोगों को लोअर बैक में समस्या रहती है उनके लिए वर्जित है। हृदय रोगी और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को योग गुरु के सानिध्य में इसका अभ्यास करना है। इस आसन को कम से कम 3-3 बार दोनों ओर से करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस आसन को कभी भी हड़बड़ा के जल्दी में नहीं करना है, योग को सहज तरीके से करना है।